अस्सलाम वालेकुम, देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब? आपको लेकर आए एक जबरदस्त एक्टिविटी दिखाने के लिए। तो वो एक्टिविटी क्या है, क्या होने वाला है, आज बड़ा मजा आने वाला है, तो चले आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हैं भाई, हम लोग आ गए एहसन भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? एहसन भाई, बड़ी परेशानी है यार, कमर वगैरह में, जोड़ वगैरह में काफी दर्द है, तो क्या हल है? आप क्या बताते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? किस तरह का दर्द? शोल्डर पेन है, शोल्डर पेन हो जाता है, सुन हो जाता है बैठे बैठे, कमर में भी बैठे बैठे कमर सुन हो जाती है, लोअर बैक भी। ज्यादातर कहाँ बैठ लेगा आपको? वैसे तो ऑफिस चेयर पे बैठने का काम जी, कंप्यूटर वर्क ठीक हो, मतलब स्टिफनेस हो गई, बिल्कुल ऐसी। तो क्या हल कुछ है आपके पास? तो हमारे व्यूअर्स को भी बताएं और हमारा भी हल निकालें। दर्दों के लिए इस तरह के मसल स्टिफनेस के लिए जो है ना, सबसे अच्छा ये है कि फायर कपिंग करवाई जाए। अच्छा, फायर कपिंग, उसके बाद जो है फिर हिजामा हो, ये सबसे जबरदस्त सेशन होता है। फायर कपिंग क्या चीज है हसन भाई, बताएंगे कुछ? फायर कपिंग बेसिकली ये है कि इसमें हीट प्रेशर के साथ कप्स होते, मैं आपको बताता हूँ ये कप्स होते। ठीक हो गया, ये फायर कप कहलाता है, ये चाइनीज ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, ठीक है, चाइना में भी ये बहुत आम है। अच्छा, ये समझ लिया, एक तरह का डीप मसल मसाज। अच्छा, तो ये पहले ड्राई कपिंग होती है, फायर कपिंग से मुराद ऐसा नहीं कि आपके जिस्म पे फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी, ऐसा ही सिर्फ हीट प्रेशर के जरिए सक होता है, ठीक है, इससे ड्राई कपिंग होगी, उसके बाद जो है फिर आपका हिजामा होगा। ओके, तो ये सबसे अच्छा सेशन होता है। अगर सिर्फ फायर कपिंग किसी को जरूरत है तो सिर्फ फायर कपिंग भी करवा सकते हैं, सिर्फ हिजामा भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक सुन्नत इलाज भी है मेरे ख्याल से, हिजामा सुन्नत, जिसमें ब्लड निकाला जाता है ना, सुन्नत इलाज हुआ है। ओके, हाँ, लेकिन इलाज के तौर पे तो हर तरह का इलाज है, होम्योपैथिक उसके अपने फायदे, एलोपैथी के उसके अपने फायदे, हर इलाज के अपने फायदे, कोई किसी इलाज से इनकार नहीं है। ओके, तो इसी तरह इसका एक मिसाल के तौर पे हिजामा उसका नहीं किया जाएगा जिसको बहुत ज्यादा शुगर हो, इसका जख्म भी ठीक होता, लेकिन उसको पेन है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है फायर कपिंग, क्योंकि उसमें कट नहीं लगेगा तो उसको जख्म खराब होने का खतरा नहीं है। तो ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट एक सामने आ गया है आप लोगों के, कि जो शुगर पेशेंट है वो फायर कपिंग करवा सकते हैं, हिजामा अगर वो नहीं करवा सकते तो उनके लिए एक ऑप्शन मार्केट में मौजूद है कि फायर कपिंग करवा सकते हैं, जो उनके मसल्स पुल हुए वो रिलैक्स हो सकते। ओके ओके ओके, तो ऐसा भाई के शुरू करें हम फिर। तो चलें जी, व्यूवर्स आपको दिखाते हैं कि ये क्या हल है इन चीज़ों का और किस तरह होता है। ये हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है क्योंकि हमने पहले कभी इस तरह का किया नहीं है, एक थोड़ा सा एक डर भी लग रहा है कि भाई क्या होने वाला है। तो आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है, किस तरह होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो आपने कहा ना, डर लग की कोई बात नहीं, सिर्फ ये हिजामा दिखने में लगता है कि ब्लड निकल रहा है और कट्स लग रहे, तो खून आ रहा है, दिखने में खौफनाक थोड़ा लगता है, लेकिन जो हिजामा करवा रहा होता है वो खुद पेशेंट लेट, उसका हिजामा हो रहा था, उसका ब्लड आ रहा होता है, लेकिन वो खुद कह रहा होता है मुझे सुकून मिल रहा है। बाजुकात ऐसा होता है, उसको पेशेंट को 10-10 कप्स लगे होते हैं और वो बाजुकात सो जाता है, उसको भिगा देते हैं, सुकून मिल रहा है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त भाई। तो चलें भाई, देखते हैं फिर, इंतजार किस बात का है, चलें शुरू करते हैं, चलें। डॉक्टर साहब, ये स्प्रे किस चीज का है? ये पार्टी है, ताकि जो शीट लगाई जाती है डिस्पोजेबल शीट, हर पेशेंट की नहीं लगती है, ठीक है, ताकि ब्लड वगैरह अगर गिर जाए तो वो, ताकि ये वेस्ट किया, ब्लड ना भी गिरा तो ये डिस्पोजेबल होता है, वेस्ट कर दिया जाता है। ये और ये जो आप ये नीचे बिछा रहे हैं, ये नीचे बिछा रहे हैं, हर पेशेंट का नहीं होता, ये शीट बिछती है, डिस्पोजेबल शीट है, फिर इसको फेंक दिया जाता है। जी फरहान भाई का प्लेटर क्या प्लेटर बनवा रहे हैं भाई? आपने बहुत सारे प्लेटर देखे हैं हमारी वीडियोस आज हमारा अपना प्लेटर बना हुआ है, जरा ऊपर से दिखाएं एक प्लेटर। डॉक्टर साहब, ये कितने देर का प्रोसेस है ये टोटल? तकरीबन फायर कपिंग में अच्छा एक सेशन हो जिसमें आधा घंटा तो लग जाता है, आधा घंटा, उसके बाद फिर हिजामा देन, उसमें भी 20-25 मिनट लग जाते हैं, उसमें भी 20-25 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई बॉडी का प्रोसेस है, मतलब कि बॉडी वाइज की जिसकी ज़्यादा भारी बॉडी है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, या हल्की बॉडी वाला ऐसा नहीं है, प्रोसेस सबका सेम है? बेचारे ने मेहनत करके दी थंबनेल, वो किसी और तस्वीर में मेरे हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह आपने ये फायर कप लगा दिए हैं, जी जी, ये कितनी देर का प्रोसेस है, मतलब ये कितनी देर तक लगे रहेंगे? अभी ये जो है ना 5 मिनट तक लगे रहेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको निकाला जाएगा, रिलीज किया जाएगा, फिर दोबारा ये
दोबारा इसी तरह लगेंगे कब? अगेन यही फायर कब दोबारा लगेंगे? अच्छा फरहान भाई जी, भाई हाउ इज योर फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं? फीलिंग थोड़ा खिंचाव सा फील हो रहा है, ठीक है, दर्द नहीं है, बस ऐसा जैसे खिंचता है ना, बॉडी पेन खिंचता है और स्किन खिंचती है, कुछ इस तरह का फील हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इसकी ट्रिक्स है कपिंग मसाज, कपिंग मसाज की। लोकेशन चेंज कर रहे हैं आप, बना दिए और साइड में सिक्योरिटी खड़ी हुई है, मगर ये रोड पे जो ये डेंट पड़े हुए हैं ना, ये क्या डॉक्टर साहब? ये मसाज गन। मसाज गन है, जबरदस्त भाई, वाह भाई वाह वाह वाह, मतलब ये इतनी जोर से हिला रही है कि फरहान भाई पूरे पूरे हिल रहे हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है या ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लो काट लो काट लो भाई काट लो। लेकिन मजेदार है यार ये, ईमानदारी से मसाज मशीन जो है ना बड़ी आखिरी है यार, सीरियसली बड़ा मजा आ रहा है और जो कर रहा है उसको कितना मजा आ रहा है। डॉक्टर साहब मसाज मशीन हो गई, अब नाउ क्या आप स्टार्ट कर रहे हैं? अब होगा हिजामा, अब हिजामा होगा तो ये बिल्कुल न्यू कप्स होता है डिस्पोजेबल, हर पेशेंट पे फर्स्ट वन टाइम यूज होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये यूज होते हैं उसके बाद ये गार्बेज, ठीक है। अच्छा ये हिजामा भी उसी स्पॉट पे होगा जिस स्पॉट पे ये फायर कपिंग लगी थी या? वो तो सिर्फ मसल्स पूरे बजाज या मसल्स है ना फायर कपिंग वहाँ होती है, हिजामा के खास पॉइंट्स होते हैं। अच्छा हिजामा खास लीवर के पॉइंट्स अलग है, स्टमक का अलग है, हार्ट के अलग है, लंग्स के अलग है, ठीक है, जो डिजीज है उसके हिसाब से उसके पॉइंट्स। तो अभी जो फरहान भाई के हो रहा है वो कौन सा है? वो इनके जो थकावट का है ना, जी जी, स्टिफनेस रहती है मसल, स्टिफनेस शोल्डर पेन है उसका और बैक पेन का, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कितने कप लगेंगे? अच्छा ये भी मगर दो दफा प्रोसेस है, पहले आप इसकी क्या कहते हैं मसल्स पुल करेंगे, देन उसके बाद फायर कपिंग हो चुकी है तो मसल्स पुल पे इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक, थोड़ी देर ही लगाएंगे उसके बाद फिर स्पिन करेंगे, उसके बाद दोबारा जो कपिंग होगी ताकि ब्लड स्प्रे कर लें। हाँ भाई फरहान भाई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं भाई, भाई मुझे देर हो गई, आपको देखा था मैं सारा प्रोसीजर जो थे, मगर बहुत अच्छा टेक्सचर बना है आपकी कमर पे ना, ऐसा लग रहा है कि आप पुराने जमाने के डायनासोर थे। भाई माशाल्लाह ये पहला कप जो है आपने रिमूव कर दिया है। जी फरहान भाई अपनी फीलिंग शेयर करें आप। इंतहाई को डैश आदमी है आप, ये गंदा खून नहीं होता भाई, ये जमा हुआ खून होता है वो निकलता है, गंदा खून नहीं होता। ये फासिद बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कि फीलिंग कैसी है आप ये बताएं? यार फीलिंग बहुत अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा खिंचाव था लेकिन अब जो है वो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, अब जब ये रिलीज हो रहा है ना। ओ हो हो जी डॉक्टर साहब, फरहान भाई ये बताइएगा कि लोग इसको देख के थोड़ा खौफ ज्यादा होते हैं कि दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो आप बताएं कि आपको कितना दर्द हुआ, क्या फील हुआ, देखने वालों को बताइएगा। डॉक्टर साहब बस इसमें जब वो जो हो रही थी ना जो पिन जब लग रही थी वो हल्की सी चुभन चुभन सी फील हो रही थी बस, और कई जगहों पे गुदगुदी भी हो रही थी। पूरा प्रोसेस में आपको सिर्फ ये थोड़ा सा फील हुआ? हाँ वो थोड़ा सा फील हुआ बस प्रोसेस में कि वो जो चुभन हो रही थी सुई की बस, अदरवाइज जो कपिंग हो रही थी तो उससे थोड़ा सा खिंचाव आ रहा था बस, पेन नहीं हो रहा था, तो अच्छा है मजेदार है। मतलब पब्लिक के लिए क्या है कि आप डरना चाहिए? नहीं देखो सुन्नत चीज है तो सुन्नत चीज से तो हमें वैसे ही नहीं डरना चाहिए, घबराना चाहिए, ठीक है, यहीं पे बात खत्म हो जाती है सारी। सुन्नत चीजें करवाएं जिंदगी में एक दफा तो लाजमी करवाएं आप, चेक करें कैसे होता है क्या होता है। जी
जी फरहान भाई, ऐसा मजेदार सुकून सुकून सा मिल रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं भाई, थोड़ा सा न्यूड हो गया ये तो असल में इसके लिए कमीज उतारना जरूरी है ना भाई, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया क्योंकि सुन्नत तरीका है भाई। तो आप लोगों ने अगर नहीं किया तो एक दफ़ा करवाएं, बॉडी को काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, हल्की हल्की सी चुभन है वो, जो जाहिर से तो ऑब्वियसली वो जो सुई से उसको पिन अप करते हैं जिससे ब्लड आपका जो जो स्किन के बीच में जो गाढ़ा खून होता है उसको खींच के निकालता है, जिसको लोग हमारी लोकल जबान में कहते हैं गंदा खून निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है, स्किन की लेयर का वो ब्लड होता है जो निकलता है, तो अच्छा है। अभी डॉक्टर साहब से भी एंड में रिव्यू लेते हैं फिर यहाँ पे ब्लॉग को एंड करेंगे। अच्छा तो एहसन भाई ये बताइए कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे रेफरेंस से क्या डिस्काउंट देने वाले हैं आप, ये भी बताइए। देखिए मेरे क्लिनिक में जो है हिजामा भी होता है, हिजामा तो माशाल्लाह हर जगह काफ़ी जगह पे हो रहा है, लेकिन मेरे पास जो सर्विस दी जा रही है वो फायर कपिंग की, यानी कपिंग मसाज भी होता है, जो कि ड्राई कपिंग भी जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें कट वगैरह और ब्लड वगैरह नहीं निकाला जाता, ये डीप मसल मसाज है। अगर कोई चाहता है कि बॉडी अकड़ गई है, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है और मसाज करवाना चाह रहा है, तो उसकी सबसे बेस्ट ये है कि वो फायर कपिंग मसाज करवाए, जिससे उसके मसल जो पुल हुए हुए, वो जो स्टिफनेस हुई हुई है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। और ये जो है बॉडी बिल्डर्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, जो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके पट्टे जो है, उनके मसल जो है स्टिफ हो जाते हैं, तो उनके लिए भी रिकमेंड है कि वो फायर कपिंग हिजाम और फायर कपिंग भी करवाएं और हिजामा भी करवाएं। क्या चार्जेज है एहसन भाई इसके? क्लिनिक में जो चार्जेज है वो 250 पर पॉइंट फीस है हिजामा के, और जो फायर कपिंग की फीस है वो 2000 रुपीस है बैक के, अगर उसके साथ आप अपनी लेग का भी फायर कपिंग करवाना चाहेंगे तो उसकी 3000 फीस है। फुल बॉडी यानी फुल बॉडी कपिंग होगी तो उसकी 3000 है, सिर्फ बैक पे होगी तो 2000 है फायर कपिंग के लिए। ओके, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या डिस्काउंट है? व्यूवर्स के लिए यहाँ पे जो है बिल्कुल डिस्काउंट है, जो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं देना चाह रहा दे सकता, उसके लिए इंशाल्लाह डिस्काउंट किया जाएगा, क्योंकि मेरी फीस जो है बिल्कुल वो जो है बिल्कुल कम है, बहुत मुनासिब फीस है। और इसके अलावा जो है सर्विसेज में मेरे पास होम सर्विस भी है, अगर कोई मुझे घर बुलाना चाहता है, अपने घर पे हिजामा करवाना चाहता है, तो वो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसकी फीस जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। ठीक है जी, थैंक यू एहसन भाई। भाई यहाँ पे हम करते हैं व्लॉग को एंड, बड़ा मजा आया भाई एहसन भाई को करते हैं शुक्रिया। तो भाई एहसन भाई की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, इनका क्लिनिक भी है, इनकी क्लिनिक की लोकेशन, टाइमिंग और इनका मोबाइल नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, और ये होम सर्विस भी देते हैं, घर आके भी आप लोगों का ये जामा कर सकते हैं। सो इससे भी तक यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत, तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। इजाजत दीजिए, जिंदगी रही और सासों ने साथ दिया, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।